वीडियो। तो आज के वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ यह है दिव्यांश अग्रवाल ने और इनका मिथ यह है कि हम लोग को स्टिकी मैन बन के जेट पैक को स्पॉन करना है पूल में और फिर चढ़ना है ऊपर और बैठना है उसमें। तो गाइस इसके लिए मैं पहले स्टिकी मैन बनूंगा, जिसके लिए हम लोग कुछ स्टिकी बॉम्ब्स को जमीन पर फेंकेंगे और इनके ऊपर खड़े होकर आपको इनफिनिट हेल्थ के साथ स्काईफॉल लगा देना है। तो जैसे आप नीचे गिरते हो ये स्टिकी बॉम्ब्स आपके शरीर पर चिपक जाएंगे और ऐसे बन जाते हो आप एक स्टिकी मैन। अब आपको स्विमिंग पूल में जेट पैक स्पॉन करना है, फिर हम लोग को नीचे आना है, फिर हम लोग को स्विमिंग पूल चढ़ते हुए एंटर दबाना है जेट पैक में। और ये हो गया हमारा ग्लिच। और इसी के साथ भाई क्या क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा अपना जेट पैक छोड़ के पता नहीं नीचे कहीं आ गया है, पूल के अंदर मैं अटक चुका हूँ। उड़ रहा है अपने आप इधर उधर हो रहा है, कुछ तो हो रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरा जेट पैक भाई मुझे छोड़ भी नहीं रहा और ना ही पकड़ रहा है, इसकी दिक्कत क्या है यार। ये देखो क्या कर रहा है ये भाई, एक जगह पर रुक ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इधर गाइस। और अब मैं वॉइड में गिरने लगा हूँ और अब तो हो ही गया, ये वापस नहीं आ पाएगा। जेट पैक जरूर उड़ सकता है लेकिन बंदा वॉइड में ही तैरता रहेगा। तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ भी दिव्यांश अग्रवाल ने दिया है और उनका मिथ ये है कि हम लोग कुछ भी आज इस टूल में डालते हैं तो वो अगले वर्ल्ड में भी काम करता है, पर हाउस कलर चेंज अगले वर्ल्ड में काम नहीं करता है। जैसे कि गाइस मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आप फैन को ऑन कर देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया फैन ऑन से, उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि हाउस कलर भी हम साथ में कर देंगे। हाउस कलर मैंने येलो कर दिया है गाइस, ठीक है ना। तो दो चीजें हमने कर दी है आरजीएस टूल में। अब मैं गेम को रीस्टार्ट करता हूँ, ये आगे हम लोग वापस, और अब हम देखेंगे हमारा फैन जो कि अभी भी ऑन है, पिछले वर्ल्ड में हमने ऑन किया था, और हमारा जो हाउस कलर था गाइस वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखना चेंज हो गया होगा, ये देखो ये वापस डिफॉल्ट में आ चुका है, मतलब ये अगले वर्ल्ड तक नहीं रहता है। तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम रेंज रोवर को आज भी करके कोई दूसरा कलर करते हैं तो उसका वाइपर कलर हो जाता है। ठीक है, रेंज रोवर बुलाते गए जिसकी चीट कोड है 6666 और ये आरजी बी है तो हो चक्की रहती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कलर चेंज करेंगे पहले आरजीबी में। तो आप देख सकते हो ये चेंज हो चुका है। वाइपर वाला पार्ट कौन सा है हमें ये देखना है, ये शायद ब्लैक वाला है ना, यही लग रहा है। इधर हम लोग ऑरेंज करते हैं, ओके। देखो गाइस आरजीबी करने के बाद कोई भी कार में कलर नहीं लगता है, लेकिन इसमें लग रहा है। इसमें देखो आरजीबी होने के बाद ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसका कलर हम लोग चेंज कर पा रहे हैं कोई से भी कलर में। तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ दिया है मास्टरपीस ने और इनका मिथ ये है कि बोलेरो के सामने वाले ग्लास को तोड़कर आरपीजी फायर करने से आरपीजी ग्लास के आर पार हो जाएगा। तो बुला दिया है मैंने बोलेरो को, 3100 का जिसकी चीट कोड। अब मैं आरपीजी मार के दिखाता हूँ आपको, ये देखो अगर आप इस पे आरपीजी मारते हो तो वो आर पार नहीं जाती है, पूरी की पूरी बोलेरो फट जाती है। लेकिन पहले अगर हम इसका कांच तोड़ दें कोई भी गन से, जैसे कि एकेएम से, आरपीजी से मत तोड़ना। ये देखो ये तोड़ दिया हमने। अब मैं इस पे आरपीजी मार के देखता हूँ गाइस और ऐसा मारूंगा कि आर पार जाएगा। तो आप देख सकते हो अब ये नहीं फट रही है, आराम से आर पार हो जा रही है आरपीजी। तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है कि बोलेरो और बुगाटी में एक साथ बैठना है हमें, फिर जब एग्जिट करके बुगाटी के पास जाएंगे ना तो होगा मैजिक। तो इसके लिए हम लोग को बुगाटी और बोलेरो को आगे पीछे खड़ा करना पड़ेगा और ऐसा बैठना है कि दोनों में एक साथ बैठे हैं। देखो दोनों गेट एक साथ खुले, मतलब कि हम लोग बैठ चुके हैं। बोलेरो को थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ और अब हमें जाना है बुगाटी के पास, फिर होगा हमारा मैजिक। बुगाटी का गेट खुला हुआ है तो मुझे लगता है यहाँ पे टेलीपोर्ट ग्लिच हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, टेलीपोर्ट ग्लिच तो मेरे को समझ में आता है, हमारा बंदा तैरने कैसे लग गया, यहाँ पे स्विमिंग ग्लिच कहाँ से ऐड हो गया भाई। ओके मेरे को समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ कि देखो मैं टेलीपोर्ट होके आया हूँ स्विमिंग पूल से। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा बंदा शायद स्विमिंग करते हुए टेलीपोर्ट मार दिया हो तो स्विमिंग ग्लिच भी लग गया। एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं। ये आया मैं और आप देख सकते हो फिर से ये क्या हो रहा है भाई, स्विमिंग ग्लिच लग जा रहा है। तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम जेट पैक को स्पॉन करके नाइट करके स्टिकी बॉम्ब लगा के उस पर एक्टिवेट करते हैं तो होगा मैजिक। तो रात में मैंने बुला लिया है मिनी जेट पैक, इस पे लगा रहा हूँ मैं थोड़े बहुत स्टिकी बॉम्ब्स। अब हम इसको करेंगे एक्टिवेट और ये जो खटा है ये तो शायद ऊपर गया भी नहीं, ये देखो नीचे ही यार कहीं ऊपर गया भी नहीं, तो कुछ तो मैजिक हुआ नहीं खास। इसलिए अब हम यही सेम चीज ट्राई करेंगे बड़े वाले जेट पैक पे। तो 320 से आएगा ये वाला, इस पे लगा देते हैं हम लोग स्टिकी बॉम्ब और अब इसको करते हैं। ये ऊपर तो गया लेकिन इसमें भी कुछ मुझे खास मैजिक नजर नहीं आया गाइस। तो लास्ट चीज ये है कि मैं अब इस पे बैठने वाला हूँ एक्टिवेट करते वक्त, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ये देखो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ मैजिक मुझे अभी भी खास नहीं लगा, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम फोन से ट्रेन का हॉर्न प्रेस करेंगे तो सिटी में कहीं पर से भी सुनाई दे देगा। मैं इधर बहुत दूर आ चुका हूँ ट्रेन के, आपको दिख ही रहा होगा मैं इधर एयरपोर्ट के पास वाले बीच पे हूँ। अब मैं हॉर्न एक्टिवेट करने वाला हूँ, आवाज सुनो ध्यान से, कोई आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है बहुत ही हल्की सी बिल्कुल। तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम न्यू हाउस के बगल वाली ब्रिक बिल्डिंग पे सुपर जंप लगाकर डबल जंप करेंगे तो हम इजीली बिल्डिंग पे चढ़ सकते हैं। हमारा जो न्यू घर है उसके बगल में यही एक बिल्डिंग दिखी मुझे जहाँ पे ब्रिक्स लगे हुए, तो इधर मुझे सुपर जंप लगानी है। सुपर जंप की चीट कोड है गाइस 1215 और हमारी जंप भी एग्जैक्ट होनी चाहिए तभी चढ़ेगा। ठीक है, ये पहली जंप बिल्कुल ही घटिया, बहुत ही वाहियात फेल कर दी। ऐसी जंप लगानी है हमें कि सीधा बंदे का हाथ जो है वो दीवार पे लगे ऐसे। भाई क्या टाइमिंग थी यार, क्या प्रेडिक्शन था, क्या कैलकुलेशन था, मतलब हर चीज इतनी परफेक्ट थी कि
यार मजा आ गया देख के, यहाँ पे ट्राई करना। और इसके ऊपर एक और दीवार है, इसके ऊपर शायद से लोग चढ़ ही नहीं सकते, ये ट्रांसपेरेंट है भाई। मैंने चढ़ने की कोशिश करी और मैं इसके आर पार नीचे आ गया। एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ।